Hello and welcome to the live session of Gradeup. I'm sorry for being late. We are sorry for being late. There were some issues, but now we are back again with our part 3. As you already know that we will ask you GK and science questions, and you will have to comment your answer in the comment section. So moving very fast, because what is the agenda of this session? Agenda of this session, that will ask you GK and science question, a very good and very expected important science and GK questions. And then after that, as you know that tomorrow is ALP exam, and we'll give you some tips on how to attempt the paper, the last minute strategies, and some guidelines you should have to be strict with. And let me remind you again, this session will be bilingual, in English as well as Hindi. Because किसी को भी डिसएडवांटेज ना हो, ना इंग्लिश वाले को ना हिंदी वाले को. गुड इवनिंग मनोज, हाउ आर यू? सो एजेंडा एक बार फिर से हम बता देते हैं हिंदी में भी. अभिषेक जो हमारा एजेंडा है, जैसे कि कल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, काफी बच्चों का कल एग्जाम है, काफी बच्चों का आगे एग्जाम होगा, तो जिनका कल एग्जाम है उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपकी जितनी भी तैयारी है उस पर कॉन्फिडेंट रहें और बिल्कुल भी घबराए मत. और लास्ट मिनट में अगर आपको रिवाइज ही करना है, पढ़ाई ही करनी है, तो आप साइंस और जीके से रिलेटेड पढ़ाई करें और इम्पॉर्टेंट जो भी फॉर्मूलेज हैं मैथमेटिक्स के, उन पे ध्यान दें. ओके, हम इसको इलेबोरेट करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले जल्दी चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिकॉज बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है. वी डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम. लेट अस नाउ मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन इज, हु हैज बीन चूजन फॉर द राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड 2018 for his outstanding contribution towards promotion of communal harmony? Is it A, Raghuram Rajan, B, P.C. Bhattacharya, C, Dr. Manmohan Singh, D, Gopal Krishan Gandhi, or E, C.D. Deshmukh? किसे संप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावना देने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो रघुराम राजन, पीसी भट्टाचार्य, डॉक्टर मनमोहन सिंह, गोपाल कृष्ण गांधी, सीडी देशमुख. ठीक है, तो वी आर गेटिंग डी एंड बी एज आंसर. सी टू, ओके, डी सी देशमुख, रघुराम राजन. लेट अस सी, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, गोपाल कृष्ण गांधी. ओके, एंड कुछ आपके अगर डाउट्स भी हो तो हम लास्ट में उसको कवर करेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि जल्दी ये सेशन खत्म करें. ये 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जल्दी खत्म करें. 50 से अधिक हैं, 50 प्लस क्वेश्चंस हैं. तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. सो नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. वी आर कमेंसिंग फ्रॉम जीके एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन, देन वील मूव टू केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, बिकॉज साइंस एंड जीके विल कैरी 30 मार्क्स, राइट? ओके, so we don't want you to lose any marks in GK and science question. Now let us move to the second question. Second question is, which of the following railway stations has become India's first station to run fully on solar energy? A, Vishakhapatnam, B, Guwahati, C, Chennai, D, Kanpur, or E, none of these. बहुत ही important question है Indian railway से. निम्न में से किस कौन सा railway station पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला station बनाया गया है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो है विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, चेन्नई, कानपुर, या इनमें से कोई नहीं. सो लेट मी रिमाइंड यू अगेन, दिस सेशन विल बी बायलिंगुअल, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. ये हिंदी के इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी होगा, ताकि सब कुछ कवर हो जाए. आंसर आ रहा है बी, सबका ही बी आ रहा है, गुवाहाटी. ए का डी भी आया है. सो लेट अस सी इसका क्या है आंसर. यस, बी इज द राइट आंसर, गुवाहाटी इज द राइट आंसर. गुवाहाटी रेलवे स्टेशन हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेशन टू रन ऑन फुल्ली सोलर एनर्जी, और 700 केडब्ल्यूपी सोलर पावर प्लांट वॉज सेटअप ओवर द रूफ ऑफ द गुवाहाटी रेलवे स्टेशन इन अप्रैल 2017. तो इसका बजट कुछ एस्टिमेट किया गया है कि इसका प्रोजेक्ट की कॉस्ट 6.7 करोड़ है, बट डेट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट ये था कि कौन सा स्टेशन ऐसा बना है जो सूर्य ऊर्जा पर चलने वाला. तो थर्ड, लेट अस मूव टू थर्ड क्वेश्चन नाउ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व इंडिपेंडेंस डे एज शहीद सम्मान दिवस टू ऑनर मार्टियर्स? ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी केरला, डी आंध्र प्रदेश, और इज इट ई उत्तर प्रदेश. एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राज्य सरकार ने
शहीदों के सम्मान के लिए स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को शहीद सम्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। We will move fast, but for that you have to write your answer in the comment section. हम बहुत तेज तेज चलेंगे, but उसके लिए आपको comment section में answer लिखना होगा आपका। ये जो questions हैं बहुत ही important है और ये आपके question paper में आने की पूरी संभावना है। Exactly. और ऐसा हुआ भी है, जो अभी हमने पिछले live session किए थे, तो वो दूसरे questions, दूसरे paper में ऐसे questions पूछे गए हैं। SBI PO में ये question पूछे गए थे जो हम पूछ रहे हैं। ओके, इसका आंसर देखते हैं अभिषेक जी। वी आर गेटिंग बी एंड सी एज अ आंसर, राइट? समवन इज सेइंग 100% बी एंड यस, यू आर राइट 100% बिकॉज मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी रिमाइंड यू, हम अभी GK और करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग 193 कंट्रीज इन द बाय एनुअल यूनाइटेड नेशंस e-government index? Is it 95, 95th, 89th, 96th, 20th or 40th? Speaking the question in Hindi. दुई वार्षिक संयुक्त राष्ट्र के ई सरकारी सूचांक 2018 में 193 देशों के बीच में भारत की क्या रैंक है? भारत किस स्थान पे खड़ा है? तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो 95, 89th, 89, 96, 96, 20वां, 20th, 40th, 40वां। तो जो आपके ऑप्शंस हैं इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और अपना सही आंसर कमेंट में लिखिए। कोई इसमें पूछ रहा था कि PDF मिलेगी इसकी, नहीं मिलेगी। PDF की जगह हम इसको ऑनलाइन क्विज में कन्वर्ट कर देंगे और ऑनलाइन क्विज आप ग्रेडअप ऐप से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये मैं कहूँगा PDF से ज़्यादा जो क्विज है वो इफेक्ट करती है, क्योंकि आप एक बार क्विज अटेम्प्ट करते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात रह जाती है कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और क्या सही हुआ था, क्या गलत हुआ था। तो हम उस फॉर्म में दे देंगे। तो अगर आपके पास ग्रेडअप ऐप नहीं है तो आप अभी प्ले स्टोर से जाके ग्रेडअप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आज रात को 8 बजे वो लाइव हो जाएगा, ये वाला क्विज, इन्हीं क्वेश्चन का क्विज। ओके, 96 आंसर आ रहा है सबका, 20th भी आया है। सी और बी में कंफ्यूज हो आप शायद, ए भी आ गया। चलो लेट अस सी इसका आंसर क्या है। यस, 96 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन? इज इट ए चाइना, बी इंडिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी रशिया और ई जापान? एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने दुनिया के पहले तैरने वाले परमाणु ऊर्जा स्टेशन का शुभारंभ किया है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो है चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस या जापान। तो अपने आप आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखें और काफ़ी सारे बच्चे सही जवाब भी दे रहे हैं। श्वेता जी ने सी ऑप्शन दिया है, हितेश ने रशिया बोला है, नीत टारगेट्स, ओके रशिया, विवेक रशिया, सारे ही रशिया दे रहे हैं। ओके ओके, 100% चाइना, लेट अस सी 100% चाइना है या नहीं है। रशिया इज द राइट आंसर बिकॉज रशिया ने अभी अभी लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन एंड उस पावर स्टेशन का नाम है एकेडमिक लोमोनोसोव। ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जरूर, मतलब आने वाले क्वेश्चनों में से एक है क्योंकि ये हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, वॉइस कम आ रही है, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। अब ठीक है, हेलो, प्लीज़ आप अगर हमें बताएंगे तभी हम आगे चलेंगे, अगर वॉइस ठीक है तो। ठीक है, हरिओम, आपका नाम जरूर लेंगे, उसके लिए क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम मोबाइल तिहार अंडर संचार क्रांति योजना? इज इट ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा? संचार क्रांति योजना SKY के तहत किस राज्य सरकार ने स्मार्टफोन वितरण योजना मोबाइल तिहार लॉन्च की है? तो आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो आपको इसका आंसर देना है। ओके वॉइस, ओके सही आ रही है, आवाज़ आ रही है, ठीक है। ओके, वी आर मेकिंग फास्ट आपका, ठीक है,
हिंदी में भी बिल्कुल आंसर, हिंदी में भी बिल्कुल क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में भी पूछेंगे, हिंदी में भी पूछेंगे, किसी को भी डिसएडवांटेज ना हो, ठीक है। आंसर दीजिए, बी आंसर आ रहा है आपका, इज इट छत्तीसगढ़, डी, नाउ इट्स ओके, ओके वॉइस वॉइस इज ओके नाउ, ए, ओके लेट अस सी, लेट अस डोंट नॉट वेस्ट टाइम, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है, रायपुर में ये लॉन्च किया गया है, एंड द स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मार्टफोन्स टू 45 लाख विमेन एंड 5 लाख चिल्ड्रन एंड सेटिंग अप न्यू मोबाइल टावर्स, 556 नए मोबाइल टावर लगाएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी हम आगे चलते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड्स फॉर द ईयर 2017, इज इट डॉक्टर एन हब्तुल्ला, श्री भरत रुहारी महताब, दिनेश त्रिपाठी, देविंदर राठौर और हुकुम देव नारायण यादव। निम्न में से किसे 2017 वर्ष के लिए उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कारों के लिए चुना गया है? तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है डॉक्टर नजमा हेप्तुल्ला, भर्तृहरि महताब, दिनेश त्रिपाठी, देवेंद्र राठौर, हुकुम देव नारायण यादव। ठीक है, बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड गिविंग आंसर्स, इज इट ए और बी, आई गेस आई एम गेटिंग ए एंड बी मोर, ओके आई ऑल्सो गॉट हुकुम देव नारायण यादव, डी ऑल्सो, ओके लेट अस सी इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी। तो श्री भरत रुहारी महताब इसका आंसर है, वो सिलेक्ट किए गए हैं, एंड एक्चुअली द आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड इज एन अवार्ड गिवन बाय द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप टू एन आउटस्टैंडिंग सिटिंग मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट फॉर ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इंडियन पार्लियामेंट, ओके सो बी वॉज द आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द क्राइसिस विद इन द नॉलेज एंड एजुकेशन इन इंडिया, इज इट आनंद नील कंठन, चेतन भगत, गणेश देवी, रस्किन बॉन्ड और द वेल नॉन अरुंधति रॉय। एक और क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स की सेक्शन से, तो इनमें से किसने क्राइसिस विद इन नॉलेज एंड एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं आनंद नीलकंठन, चेतन भगत, गणेश देवी, रस्किन बॉन्ड, अरुंधति राय। ठीक है, हरिशंकर इज सेइंग 7/7, वेरी गुड। लास्ट में हम आपसे स्कोर भी पूछेंगे कि क्या स्कोर है आपका, तो आप ये भी देखते रहिए कितने में से कितने आपके ठीक हुए हैं, और इससे आप मोटिवेट भी होंगे अगर आपके अच्छे हुए तो, और अगर मोटिवेट नहीं होंगे तो हम साथ साथ हम कर ही रहे हैं आपको, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, किसने ये किताब लिखी है क्राइसिस विद इन नॉलेज एंड एजुकेशन इन इंडिया, यू आर सेइंग सी, यू आर सेइंग चेतन भगत, यू आर सेइंग बी एंड सी, ग्रेडअप इज ओके, थैंक यू। चेतन भगत, ओके तो उपतल दास जी आपका नाम बिल्कुल लेंगे, उसके लिए आप आंसर दीजिए बी और ए, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है, चेतन भगत तो बिल्कुल इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है सी, गणेश देवी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, गणेश देवी इसका आंसर है, जिसने अभी अभी ये ज्वाइन किया है, ये बाद में वीडियो जब खत्म हो जाएगी तब भी आप पिछले क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन अभी आप बने रहिए हमारे साथ, बी विद अस टिल द एंड, बिकॉज वी हैव मैनी इंपॉर्टेंट एंड मैनी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद अस, बी जीके और साइंस, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ इंडियन इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर IIFF जिसे बोलते हैं वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी, इज इट मुंबई, पुणे, आगरा, न्यू दिल्ली और नन ऑफ दीज। चौथा भारत अंतर्राष्ट्रीय जूता मेला फुटवेयर मेला 2018 में किस शहर में आयोजित किया गया है? तो उसके ऑप्शंस हैं मुंबई, पुणे, आगरा, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जय यादव, वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर, राजू आंसर दीजिए प्लीज, आपका नाम हम ले लेंगे बट आंसर देंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। कई सारे बच्चे आगरा आंसर दे रहे हैं और कई सारे नई दिल्ली आंसर दे रहे हैं,
तो दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन है थोड़ा सा. हाँ, बट लेट मी टेल यू, इसमें से एक आंसर सही है और एक गलत है. ठीक है, तो आगरा हमें बहुत सारे मिल रहे हैं. जिसने आगरा आंसर दिया वो बिल्कुल गलत हैं, बिकॉज न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर. द फोर्थ इंडियन इंटरनेशनल फुटवे फेयर वॉज हेल्ड एट न्यू दिल्ली, प्रगति मैदान में हुआ था ये, प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिल्म हैज वन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट थर्ड एडिशन ऑफ 2018 ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल इन साउथ अफ्रीका. इज इट ए शिप ऑफ थीसिस, बी कसाव, सी न्यूटन, डी विलेज रॉक स्टार्स और नन ऑफ दीज. दक्षिण अफ्रीका में 2018 ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण में निम्न में से किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं शिप ऑफ थीसिस, कसाव, न्यूटन, विलेज रॉक स्टार्स या इनमें से कोई नहीं. सो बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं. न्यूटन, न्यूटन, मुकुल इज सेइंग न्यूटन, न्यूटन इज नॉट, या न्यूटन, ओके ओके ओके, न्यूटन इज द राइट आंसर. यस, न्यूटन इज डेफिनेटली द राइट आंसर. न्यूटन इज द राइट आंसर. न्यूटन हैज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट थर्ड एडिशन ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल इन साउथ अफ्रीका. सो इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, मतलब अगर आप क्वेश्चन में देखोगे कि ये ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था, सो आंसर इज साउथ अफ्रीका, बट ये पूछ लिया गया है, सो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. 2018 वर्ल्ड रेंजर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 31st जुलाई, 28 जुलाई, 30th जुलाई, 21st जुलाई और 24th जुलाई. ये इसी जुलाई महीने की बात है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये डेट्स आ सकती है. तो वर्ल्ड रेंजर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए बी सी डी और ई. 2018 में विश्व रेंजर्स दिवस कब मनाया जाता है, मतलब कब मनाया गया है? और जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं 31st जुलाई, 28 जुलाई, 30 जुलाई, 21 जुलाई, 24 जुलाई. ठीक है, तो वी आर गेटिंग ए 28 जुलाई, बी आल्सो 30th जुलाई आल्सो. यहाँ पे मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा बच्चों को, जितने भी इम्पोर्टेंट डेज निकले हैं जनवरी से लेके अभी तक अगस्त तक, मतलब जुलाई तक आप याद रखिए, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है. और ऐसा ही पैटर्न रहा है पिछले एग्जाम्स में कि जो भी इम्पोर्टेंट डेज होते हैं लास्ट 6 मंथ्स में और उनकी थीम्स, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, बहुत सारे हमें आंसर्स मिल गए हैं, बट इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ए है, बिकॉज 31st जुलाई को वर्ल्ड रेंजर्स डे मनाया जाता है. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द कैनेडियन ओपन गोल्फ टाइटल 2018? इज इट टॉमी फ्लीटवुड, ब्रुक्स कोएपका, डेनियल बर्जर, डस्टिन जॉनसन और टायरल हैटन? कनाडाई ओपन गोल्फ टाइटल 2018 में किसने जीता है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो टॉमी फ्लीटवुड, ब्रुक्स कोपेका, डेनियल बर्गर, डस्टिन जॉनसन और टायरल हैटन. ओके, टॉमी फ्लीटवुड, ब्रुक्स कोपेका, डेनियल बर्गर, डस्टिन जॉनसन और ट्रेल हैटन. इसमें से एक सही आंसर है, एंड आपको कमेंट्स में लिखना है आपने कोई डस्टिन बोल रहा है. ओके, एंड समवन इज सेइंग ब्रुक्स. ओके, एंड यस, इनमें से एक आंसर है बिल्कुल सही. डैनियल इज नॉट द राइट आंसर. जॉनसन और ब्रुक्स, ओके, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन बी एंड सी, इज इट? ओके ओके, मूविंग फास्ट, द आंसर इज डी, डस्टिन जॉनसन. डस्टिन जॉनसन, इन्होंने गोल्फ टाइटल 2018 जीता है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैज बीन चूजन फॉर रेड इंक अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन जर्नलिज्म? इज इट जॉन कैंटली, अमीलिया जेंटलमैन, कैरोल कैडवेल्डर, विलियम मार्क ट्यूली और नन ऑफ दीज? पत्रकारिता में आजीवन उपलब्धि के लिए 2018 में रेड इंक अवार्ड नामक जो ट्रॉफी है वो किसे किसको सम्मानित किया गया है? तो जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं जॉन कैंटली, अमेलिया जेंटलमैन, कैरोल कैंट वॉलेडर, विलियम मार्क तुर्की एंड, या फिर इनमें से कोई नहीं.
ठीक है, जॉन कैंटली, अमेलिया जेंटलमैन, करोल कैडवेलेडर, विलियम मार्क टुली और नन ऑफ दीस. सो वी आर गेटिंग ए और यू आर सेइंग करोल, सी डी ऑल्सो. ओके, ये करंट अफेयर्स है, इसमें क्या लेवल होगा सर? ये करंट अफेयर्स है, यही लेवल होगा. ओके, सो देखते हैं डी. यस यस, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर. विलियम मार्क ट्यूली इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम करंट अफेयर से पूछ रहे हैं अभी. विच ऑफ द फॉलोइंग कथक डांसर्स हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस श्री जयदेव राष्ट्रीय युवा प्रतिभा पुरस्कार 2018 फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट? ए पंडित दुर्गालाल, अनिंदिता अनाम, निरुपमा राजेंद्र, संयुक्ता सिन्हा और नन ऑफ दीस. कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित श्री जयदेव राष्ट्रीय युवा प्रतिभा पुरस्कार 2018 में किसको दिया गया है? तो इज इट ए बी सी डी और ई? दीपेश, वी आर स्पीकिंग लाउड, एक बार आप भी अपने वॉल्यूम चेक कर लीजिए, हमारी तरफ से बिल्कुल सही है. एंड अगर किसी और को भी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज बता दीजिए. ओके, आनिंदा, सॉरी अनिंदिता अनाम यू आर सेइंग, बी और डी और सी? ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस सी इसका आंसर क्या है. इसका आंसर बी है, अनिंदिता अनाम. ओके, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस 2018 मोहन बगान रत्न अवार्ड? सुनील छेत्री और सुब्रता पाल, सुब्रता भट्टाचार्य, जे जे लाल पखलुआ और प्रदीप चौधरी. प्रतिष्ठित 2018 मोहन बगान रत्न पुरस्कार इनमें से किस व्यक्ति को दिया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं सुनील छेत्री, सुब्रत पाल, सुब्रत भट्टाचार्य, जे जे लाल पखलुआ, प्रदीप चौधरी. ठीक है, राइट दे रहा हूँ. ओके गुड, वॉइस ठीक है, वी आर चेकिंग वॉइस, हम देख रहे हैं वॉइस जितना तेज हो सके हम बोल रहे हैं और टेक्निकल भी एक बार हम देख रहे हैं कि वॉइस में क्या प्रॉब्लम है. प्लीज बी विद अस. ठीक है, आंसर आने शुरू हो गए हैं. वॉइस इज परफेक्ट, कोई कह रहा है वॉइस परफेक्ट है, कोई कह रहा है थोड़ी लो आ रही है. हमारी साइड से बिल्कुल ठीक है वॉइस. ओके, आंसर आने शुरू हो गए हैं. हाउ मेनी क्वेश्चंस इन लाइव टेस्ट? दे आर 50+ क्वेश्चंस. ए सुनील छेत्री, ऐसा जरूरी नहीं है जो फेमस है और वही आंसर होगा. सुनील छेत्री इज नॉट द आंसर. प्रदीप चौधरी, यस डेफिनेटली प्रदीप चौधरी इज द राइट आंसर. प्रदीप चौधरी इज कंफर्ड विद द 2018 मोहन बगान रत्न अवार्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, विच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन ऑनर्ड विद द टाइटन रेग्नल्ड एफ लुईस फिल्म आइकन अवार्ड एट द केन्स फिल्म फेस्टिवल? इज इट करीना कपूर, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण और नन ऑफ दीस? कान फिल्म फेस्टिवल 2018 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टाइटन रेजिनॉल्ड एफ लुईस फिल्म आइकन नामक पुरस्कार दिया गया है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं करीना कपूर, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं. ठीक है, इसका आंसर ए बी सी डी या ई होगा. आप क्या ये करीना कपूर है, श्रीदेवी है, माधुरी दीक्षित है, दीपिका पादुकोण है या कोई भी नहीं? एंड यस, ये एक्ट्रेस होगा, एक्टर नहीं है, ये एक्ट्रेस है. ए बी सी डी और ई, अभिनेत्री हम पूछ रहे हैं, ये करेक्शन है. बॉलीवुड एक्ट्रेस इट इज. सो दीपिका पादुकोण यू आर सेइंग, बट नो, दीपिका इज नॉट द राइट आंसर. श्रीदेवी, यस एग्जैक्टली, श्रीदेवी इज द राइट आंसर बिकॉज इन्हीं को ही मिला है
ये अवार्ड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क रूट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री? इज इट ग्रीस, पोलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे और हंगरी? मार्क रूट किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ग्रीस, पोलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, हंगरी. मार्क रूट निम्न में से किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री हैं? ठीक है, आपको अपना आंसर बताना है. प्राइम मिनिस्टर, दैट इज प्रधानमंत्री पे ये क्वेश्चन है. वी आर गेटिंग आंसर एज सी, नीदरलैंड. यस, यू आर राइट. मार्क रूटे इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड एंड मार्क रूटे इज द करंट प्राइम मिनिस्टर नीदरलैंड सिंस 2010 एंड ये लीडर भी हैं पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी सिंस 2006. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? वेरी 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 गुड क्वेश्चन. ए अशोक कुमार, परगट सिंह, राजेंद्र सिंह, मरियामा कोशी और धनराज पिल्ले. हॉकी इंडिया HI के नए अध्यक्ष कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं अशोक कुमार, परगत सिंह, राजेंद्र सिंह, मरियम कोशी, धनराज पिल्ले. तो यू हैव टू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे नेशनल गेम से रिलेटेड है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. यस, और अभी कुछ ही महीने पहले इनका मतलब निर्वाचन किया गया है. एग्जैक्टली. और इस इन ऑप्शंस में से एक नाम ऐसा है जिनको जो पहले थे, जो पहले प्रेसिडेंट थे, जो मरियम कोशी कह रहे हैं वो पहले थे, अब नए कौन हैं? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. वी आर गेटिंग मैनी राइट आंसर्स. यस, बिल्कुल, राजेंद्र सिंह इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. ओके, मूविंग ऑन टू द 19th क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी अवार्डी राइटर रामपदा चौधरी पास्ड अवे. ही बिलोंग टू विच स्टेट? तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश. रामपाड़ा चौधरी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, वो किस राज्य से संबंध रखते हैं, मतलब किस राज्य से हैं? तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश. बिल्कुल, आपको इसका आंसर देना है. और इनकी एक नॉवल थी अभिमन्यु नाम की, तो ये आपको पता होनी चाहिए, जो कि सुभाष मुखोपाध्याय पे बेस थी, जिन्होंने इंडियाज़ की फर्स्ट एंड द वर्ल्ड सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी बनाई थी 1978 में. तो उनके वर्क पे ये बेस थी उनकी नोवेल, जिसका अच्छा नाम अभिमन्यु था. तो वो कौन से स्टेट से थे? वेस्ट बंगाल, ओडिशा. वेस्ट बंगाल, ओडिशा. ओके, यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा. मैनी, ओके, बंगाली ऑथर, वेरी गुड. यस, ट्रू, बंगाली ऑथर. वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द लास्ट GK और करंट अफेयर्स क्वेश्चन, इसके बाद विल मूव टू साइंस विच कंटेन्स केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी क्वेश्चन, एंड आफ्टर डैट विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज, द लास्ट मिनट टिप्स एंड हाउ टू अटेम्प्ट. ओके, मूविंग फास्ट, विच प्लेयर हैज वन द यूरोपियन गोल्डन शू 2018? Is it Cristiano Ronaldo, Diego Forlan, C. Lionel Messi, D. Luca Toni or E. Henrik Larsson? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सारे बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा. किस खिलाड़ी ने यूरोपीय गोल्डन शू 2018 जो हुआ था उसमें ये गोल्डन शू जीता है? आपके ऑप्शंस हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डियागो फोरियन, लियोनेल मेसी, लुका टोनी, हेनरिक लार्सन. So you have to choose between ABCD, among ABCD and E, Cristiano Ronaldo, Diego Forlan, Lionel Messi, Luca Toni or Henrik Larsson.
ओके इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यस लियोनेल मेसी बिल्कुल सही है, अर्जेंटीनियन प्लेयर लियोनेल मेसी लॉक कर दिया है बिल्कुल। ओके इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी बच्चे बोल रहे थे बट लियोनेल मेसी इज द राइट आंसर। ओके अनदर क्वेश्चन, सॉरी एक और जीके और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द ग्लोबल विंड समिट 2018, इज इट ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडिया, जापान और चाइना? इनमें से कौन सा देश ग्लोबल विंड समिट 2018 की मेजबानी करेगा? जो आपके ऑप्शंस हैं वो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत, जापान, चीन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडिया, जापान, चाइना। लियोनेल मेसी पुराना था क्वेश्चन, आगे चलते हैं। जर्मनी मेरा नाम, ओके जर्मनी, जर्मनी, इंडिया, चाइना, हैम्बर्ग जर्मनी, वेरी गुड कार्तिक, हैम्बर्ग जर्मनी, वेरी गुड बिकॉज जर्मनी इज द राइट आंसर। ये चार दिन की समिट थी, द फोर डेज ग्लोबल समिट मतलब होगी, चार दिन की समिट होगी, 25 सितंबर से होगी। द फोर डेज ग्लोबल समिट विल बी हेल्ड इन हैम्बर्ग जर्मनी फ्रॉम 25 सितंबर 2018। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द थॉमस कप टाइटल इन 2018, इज इट जापान, थाईलैंड, चाइना, डेनमार्क और जर्मनी? 2018 में थॉमस कप खिताब किसने जीता है? जो आपके ऑप्शन हैं जापान, थाईलैंड, चाइना, डेनमार्क, जर्मनी। और इसके आंसर के साथ साथ आप ये भी दीजिए जो भी आंसर होगा कि ये थॉमस कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। हाँ ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भी आप आंसर दोगे ए बी सी डी ई उसमें कोमा करके आप ये भी बताइए कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। ओके जापान आंसर आ रहा है जो कि गलत है, जापान आंसर बिल्कुल नहीं है राजीव जी, जापान इज द रॉन्ग आंसर, डेनमार्क इज द रॉन्ग आंसर, जर्मनी इज द रॉन्ग आंसर, चाइना बैडमिंटन, वेरी गुड चाइना इज द राइट आंसर एंड थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन कार्टूनिस्ट वॉन द इंटरनेशनल अवार्ड एट द वर्ल्ड प्रेस कार्टून अवार्ड 2018 इन द बेस्ट कैरिकेचर कैटेगरी? थॉमस एंटनी, आर के लक्ष्मण, विजयन, असीम त्रिवेदी और नन ऑफ दीज? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। किस भारतीय कार्टूनिस्ट ने सर्वश्रेष्ठ व्यंग चित्र श्रेणी में वर्ल्ड प्रेस कार्टून पुरस्कार 2018 में जीता है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो थॉमस एंटनी, आर के लक्ष्मण, विजयानंद, असीम त्रिवेदी या इनमें से कोई नहीं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके थॉमस एंटनी, समवन इज सेइंग थॉमस एंटनी, एक्चुअली एवरीवन इज सेइंग थॉमस एंटनी, आई ऑल्सो रेड आर के लक्ष्मण बट सॉरी आर के लक्ष्मण इज नॉट द राइट आंसर, आर के लक्ष्मण, नो आर के लक्ष्मण इज नॉट द राइट आंसर, ए यस बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, थॉमस एंटनी इज द राइट आंसर एंड द वर्ल्ड प्रेस कार्टून अवार्ड 2018 वॉज इंस्टीट्यूट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन लिस्बन, पोर्टुगल, पोर्टुगल में ये हुई थी एंड थॉमस एंटनी ने इसको जीता है। आगे चलते हैं, नो आर के लक्ष्मण इज नॉट द राइट आंसर, थॉमस एंटनी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जीके क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑफिशियल 2018 वर्ल्ड बाइसाइकिल डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन May 31, 3rd of June, 5th June, April 10, 1st June. पहला आधिकारिक 2018 में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया था? ये पहली बार मनाया गया है तो ये इस हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो आपके ऑप्शंस हैं वो 31st मई एंड 3rd ऑफ जून, 5th ऑफ जून, 10th ऑफ अप्रैल, 1st ऑफ जून। सो लेट मी गिव यू एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, ये जो फर्स्ट बाइसाइकिल डे था डेट वॉज ऑब्जर्व बाई यूनाइटेड नेशंस टू रेज अवेयरनेस अबाउट द मल्टीपल सोसाइटल बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द बाइसाइकिल, अगर आप साइकिल यूज करेंगे तो उसके फायदे क्या होगा, ये यूनाइटेड नेशन जिसको संयुक्त राष्ट्र भी बोलते हैं, तो उन्होंने ये रेज किया था अवेयरनेस। ये एक पहल है मतलब ग्रीन एनर्जी की तरफ, जिससे कि लोगों में जो है
इंफॉर्मेशन दी जाए क्या बेनिफिट्स हैं. सारे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं. एवरीवन इज गेटिंग, एवरीवन इज गिविंग राइट आंसर. यस, जून 3 इज द राइट आंसर. जून 3rd जून और ये पहला था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स हैज लॉन्च्ड सेवा भोज योजना फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑन द परचेज ऑफ स्पेसिफिक फूड आइटम्स बाय चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूट CRIs for free distribution among people. Is it Ministry of Commerce and Industry, Ministry of External Affairs, Ministry of Culture, Ministry of Youth Affairs and Sports, or none of these? Please read this question carefully. Ki who has launched the Seva Bhoj Yojana? If I'll speak this question in Hindi. Kis mantralay ne jo yojana hai, jiska naam hai, charitable dharmik sansthano ke liye, CRI के लिए विशिष्ट खाद्य वस्तुओं पर की खरीद पर वित्तीय सहायता के लिए सेवा भोज योजना हाल ही में शुरू की गई है. तो इस योजना का नाम है सेवा भोज योजना. हाँ, किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो जो आपके ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर है. सो वी आर गेटिंग डी एंड सी. अभिषेक जी, वी आर गेटिंग डी एंड सी एज आंसर. काफी क्लोज है बच्चे आंसर. करेक्ट आंसर. बट बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं. कल्चर पक्का. यस पक्का. कल्चर इज द राइट आंसर. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज द राइट आंसर. बिल्कुल. तो टोटल आउटले इसका 325 करोड़ था एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने. बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये खत्म हो गया जीके एंड करंट अफेयर्स. 10 मार्क्स का था. अब जो 20 मार्क्स का साइंस आ रहा है उस पर हम चलेंगे. अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ बीम ऑफ रेड लाइट. विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द outcome if the red light is replaced by the blue light? A. Bands disappear. B. Diffraction pattern becomes broader and further apart. C. Diffraction pattern becomes narrower and crowded together. Or no change. Very good question. Please ek bar isko Hindi mein bol dijiye. Ye bahut hi important question hai. Aur ye question jo hai diffraction pe hai. Theek hai. Jo aapka question hai, lal prakash ke kiran punj ka upyog करते हुए एक विवर्तन चित्र प्राप्त किया जाता है. यदि लाल प्रकाश को नीले प्रकाश से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम होगा? जो आपका क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. इफ अगर हम रेड लाइट की जगह ब्लू लाइट यूज करते हैं, जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होगा हमें, उसमें क्या डिफरेंस आएगा? जो बैंड हमें मिलेगा उसमें क्या अंतर आएगा? ठीक है, हमें बी इसका आंसर मिल रहा है और सी भी इसका आंसर मिल रहा है. जो आपके ऑप्शंस हैं, या फिर बैंड लुप्त हो जाएगा, या फिर जो बी और सी ऑप्शंस हैं नैरोअर हो जाएगा, या फिर ब्रॉडर हो जाएगा, या फिर कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है बट बी इज नॉट द राइट आंसर. बी इज नॉट द राइट आंसर नॉर ए. ए इज नॉट द राइट आंसर टू. So C is the right answer. C is the right answer. Diffraction pattern becomes narrower and crowded together. Actually, what is diffraction? Diffraction is the slight bending of light as it passes around the edge of an object. The amount of bending depends upon the size of the wavelength of the light to the size of the opening. And if the opening is much larger than the light's wavelength, the bending will be almost unnoticeable. So yes, I was explaining this only. Ki if the opening is much larger than the light's wavelength, the bending will be almost unnoticeable. मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा. जैसे आपको स्पेक्ट्रम के बारे में पता है, वेवगियर, जो रेड है आपका, जो रेड कलर है वो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कैरी करता है. एग्जैक्टली. जो वायलेट है वो सबसे कम वेवलेंथ कैरी करता है. और जो डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है. तो जो सबसे कम वेवलेंथ है जिसकी, जैसे वायलेट कलर की, तो इस हिसाब से उसका जो पैटर्न है नैरोअर हो जाएगा और क्राउडेड हो जाएगा, क्योंकि जो डिफ्रैक्शन है वो जो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है. और क्योंकि वेवलेंथ कम है वायलेट कलर की, इसलिए वो नैरोअर हो जाएगा. ठीक है, तो आपको हमने इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में आंसर दे दिया है. आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पैसेंजर इज मूविंग इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ 5 रुपी कॉइन. इफ द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम देन द ट्रेन मस्ट बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और डेक्लरेशन स्पीड और वेलोसिटी.
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछालता है, यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी एक्सेलरेशन मतलब एक समान त्वरण से चल रही है, एक समान मंदन से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका सोच समझ के जवाब दीजिए आप। और काफी सारे बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके एंड यस, बिल्कुल एक्सेलरेशन इज द राइट आंसर। अगर हम एक्सप्लेन करें इस क्वेश्चन को, जैसे आप ट्रेन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर जो आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर आप कोई क्वाइन टॉस करते हैं, ठीक है, अगर जब आप क्वाइन टॉस करते हैं, जो क्वाइन की जो स्पीड होगी या फिर वेलोसिटी होगी वो वही होगी जो रेल में बैठे आदमी की होगी। अगर जो ट्रेन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो जो सिक्का है उसके हाथ में आके गिरेगा, क्योंकि उसकी भी स्पीड वही होगी जो आदमी की होगी। अगर ट्रेन एक्सीलरेट कर रही होगी तो आदमी जो है एक्सीलरेट हो जाएगा, लेकिन जो सिक्के की स्पीड रहेगी वो वही रहेगी, तो वो पीछे आके गिर जाएगा। इसलिए ये रीज़न है इस क्वेश्चन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर अ गुड एक्सप्लेनेशन। द इक्विपमेंट सोनार इज यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ सी बेड, इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, क्रूजिंग एल्टीट्यूड ऑफ एन एयरक्राफ्ट और द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सोनार में किसके निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है? सोनार जो है किसके निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है? जो सोनार उपकरण है वो किसके निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो सागर तल की गहराई के लिए, भूकंप की तीव्रता जानने के लिए, वायुयान की परिभ्रमण तुंगता के लिए, या फिर गतिमान पदार्थ की चाल के लिए। विल मूव फास्ट फ्रॉम हेयर बिकॉज हम अभी बहुत तेज चलने वाले हैं, बिकॉज वी हैव मैनी क्वेश्चन, सो प्लीज गिव अस आंसर्स। इज इट ए बी सी और डी? सो वी गॉट मैनी आंसर्स। ओके यस, ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट? इज इट ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बी डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, सी रिलेटिव डेंसिटी और डी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट? ओके, यू हैव टू आंसर इट। इज इट ए बी सी और डी? जो इसमें से चार ऑप्शंस आपके सामने, चार फिजिकल क्वांटिटीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, रिलेटिव डेंसिटी, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जो उसमें कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है, जिसकी कोई यूनिट नहीं है? जो आपके ऑप्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, रिलेटिव डेंसिटी, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो as already told we'll move fast from here because we have many questions and we have to cover and we don't want to waste your valuable time. To hum abhi bahut jaldi jaldi chalenge, to please jaldi jaldi aap comments bhi kijiye because bahut sare acche aur bahut sare expected questions hain. D, yes, exactly, D is the right answer. Gravitational constant is not a dimensionless constant. Next is the acceleration due to gravity at the equator is less than that at the poles, is greater than that at the poles, is equal to that at the poles, or doesn't depend on the earth's centripetal acceleration. विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण जो त्वरण होता है उसकी जो उसका जो मान है वो कैसा होता है? ध्रुवों को अपेक्षा में कम है, ध्रुवों की अपेक्षा में ज़्यादा है, अधिक है, ध्रुवों पर जो त्वरण होता है उसके बराबर है, पृथ्वी के अभिकेंद्रीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, सो लेट अस सी इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज लेस देन दैट एट द पोल्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, यू हैव टू चूज बिटवीन ए बी सी एंड डी। इट्स अ फॉर्मूला। जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, जो गिवन आपके पास इक्वेशंस हैं, इनमें से किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? ओके,
तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा, जो इसके ऑप्शंस है वो 2π कंप्लीट अंडर रूट जी बाई एल, 2π इंटू एल बाई जी कंप्लीट होल स्क्वायर, 2π इंटू जी बाई एल कंप्लीट होल स्क्वायर, या फिर 2π अंडर रूट एल बाई जी. So we are getting D as an answer. Yes, exactly, D is the right answer. 2 pi under root L by G is the right answer. So it is the time period where L is the length and G is the acceleration due to gravity. Moving on to the next question, the frequency of ultrasonic waves is it less than 20 hertz, between 20 and 10,000 hertz, between 20 and 20,000 hertz, or above 20,000 hertz? Yeah. So you have to tell me the frequency of ultrasonic waves. बहुत ही अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चंस है. ऐसे क्वेश्चंस अधिकतर पूछ लिए जाते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स की, वो इनमें से किस रेंज में लाई करती है, लेस देन 20 हर्ट्ज या फिर 20 और 10,000 हर्ट्ज के बीच में, या बिटवीन 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच में, या फिर एवव 20,000 हर्ट्ज. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है. Chandan, we'll take your name, but for that you have to write answer. Okay, D is the right answer, exactly D is the right answer. If you don't want us to repeat the options, we'll not repeat the options. Okay, okay. Laws of electrolysis is given by A. Faraday, Maxwell, Lenz or Bohr. Speaking the question in Hindi, Vidyut Upghatan ke niyam kisne diye hain? So just write the answer. You're saying D or you're saying A? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए हैं, कौन से साइंटिस्ट ने दिए? ओके, अगेन डी, इट्स नॉट डी, सॉरी, ए, एग्जैक्टली. जो डी ऑप्शन बता रहे हैं बोर, उन्होंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिया था. एग्जैक्टली, सो ए इज द राइट आंसर. Faraday is the right answer, laws of electrolysis, and it governs the deposition of substances on electrode during the process of electrolysis. और ये 1833 में given थे. ये बहुत ही famous scientist रहे हैं. Okay, next question. The photocurrent in an experiment on photoelectric effect increases if the intensity of the source is increased, the exposure time is increased, then intensity of the source is decreased, or the exposure time is decreased. So you have to tell me the answer A, B, C or D. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आइंस्टीन को इसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था. एग्जैक्टली. और ये क्वेश्चन है, जो फोटोक्रेंट होता है, जो एक्सपेरिमेंट में फोटोक्रेंट ऑब्जर्व किया जाता है, वो कब बढ़ता है? ठीक है, so let's see इसका आंसर क्या है. बिल्कुल सही, A is the right answer, the intensity of source is increased. Moving on to the next question, because we don't have enough time and we want to waste your valuable time, you have to match the following. You have to match the list 1 by list 2. It is, these are the inventions which I can see. So it is given John Guttenberg, Rontgen, Michael Faraday, Alexander Graham Bell, and the list 2 is telephone, printing press, x-ray, dynamo. आपके सामने दो सूची हैं, एक सूची में आविष्कार है और एक दूसरी सूची में आविष्कार करने वाले का नाम है. Exactly. तो आपको सही से मैच करना है उनको. ये मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एक और, ठीक है, काफी सारे बच्चों का ए आंसर आ रहा है. ए आंसर नहीं है, शायद वो पहले वाले का दे रहे हैं, 34th. अच्छा अच्छा, 34th का. 35th का आंसर दीजिए. 35th का बी दिया किसी ने, किसी ने सी दिया है. 35th का बी और सी, बिल्कुल नहीं, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी. यस, एग्जैक्टली, डी इज द राइट आंसर. अगर आपको सारे ऑप्शन नहीं पता, तो आप दूसरे ऑप्शन से भी इसका आंसर दे सकते हैं. रॉन्टगन ने जो भी आविष्कार किया था, एक्सरे किया था, तो आप वहां से आप देख सकते हैं कि आप बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं. अगला चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, हीटिंग ऑफ प्लैटिनम क्रूसिबल और हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट. स्पीकिंग द क्वेश्चन इन हिंदी, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, प्लैटिनम क्रूसिबल को गर्म करना, या फिर पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करना? आपका आंसर क्या होगा?
सिद्धू नाम लो मेरा, आप प्लीज आंसर दीजिए, वो हमें ज्यादा यहाँ पे कई सारे बच्चों को एक डाउट आ रहा होगा, क्रूसिबल, क्रूसिबल क्या होता है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा हो जाता है क्योंकि आप अधिकतर देखते हैं बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, आप इन सब को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप हीटिंग ऑफ आप प्लेटिनम क्रूसिबल को कनेक्ट हो सकता है नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सी ऑप्शन, एंड यस एग्जैक्टली सी इज द राइट आंसर। क्रूसिबल एक्चुअली कंटेनर है जो बड़ा हाई टेम्परेचर सह सकता है, तो इट इज अ टाइप ऑफ कंटेनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर द सॉल्यूशन टर्न मिल्की, इट्स लाइम वाटर नॉट लाइन, इट्स लाइम वाटर, द सॉल्यूशन टर्न मिल्की, बट ऑन प्रोलॉन्ग पैसेज द सॉल्यूशन टर्न्स क्लियर, व्हाई दिस इज, दिस इज बिकॉज द कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मली इनिशियली इज formed initially is convertible to soluble calcium bicarbonate on the passage of more carbon dioxide, or is it the reaction is reversible and lime water is regenerated, or is it the calcium bicarbonate formed initially is converted to soluble calcium carbonate on passage of more carbon dioxide, or is it the initially formed insoluble compound is soluble in carbonic acid? ये बहुत ही अच्छा question है, NCERT based question है। चूने के पानी में जब carbon dioxide को प्रवाहित करते हैं तो एक दूधीय वो पानी जो है दूधीय रंग का हो जाता है, लेकिन जब हम उसको लंबे समय तक प्रवाहित करते हैं तो उसका विलयन हो जाता है, मतलब उसका मिक्स हो जाता है और ट्रांसपेरेंट हो जाता है फिर से पानी। तो इसका कारण क्या है? जो आपके ऑप्शंस है वो आपकी स्क्रीन पर हैं, और सो आप ए बोल रहे हो सर, प्लीज़ लाउड, यस वी आर स्पीकिंग लाउड, आई गेस आपकी, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि आवाज़ सही आ रही है, और ठीक है, यस बिल्कुल ए, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग ए, एंड यस ए इज द राइट आंसर, यस ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंटामिनेशन ऑफ नाइट्राइट, सल्फाइट, नाइट्रेट और सल्फेट, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। निम्नलिखित में से किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कंटामिनेशन से होता है? जो आपके ऑप्शन है वो नाइट्राइट है, सल्फाइट है, नाइट्रेट है और सल्फेट है। अगर इन ऑप्शन में से किसी का भी मतलब जो भी आंसर है उसमें ड्रिंकिंग वाटर में अगर वो एक्सेसिव हो जाए तो वो ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज करेगा। ठीक है, सो यू आर गिविंग नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रेट, यस एग्जैक्टली नाइट्रेट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, एक्सेसिव नाइट्रेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर कैन कॉज द ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फूड आइटम्स फ्राइड इन ऑयल शुड बी चेक्ड बिफोर बाइंग बिकॉज ऑयल्स बिकम रेंसिड ड्यू टू, गुड क्वेश्चन एंड ईजी क्वेश्चन आई गेस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन और डिक्रीज इन विस्कोसिटी, वेरी इजी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CDS परीक्षा में पूछा गया है। और तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने के पहले उनकी निर्माण तारीख को अवश्य जांच लेना चाहिए क्योंकि तेल विकृत गंदी हो जाती हैं, इसका कारण क्या है? यह ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन, डिक्रीज इन विस्कोसिटी। सो इसका आंसर क्या होगा? फूड आइटम द डेट शुड बी चेक्ड बिकॉज ऑयल्स बिकम रेंसिड एंड ड्यू टू, इज इट ऑक्सीडेशन और hydrogenation, we are getting, I mean you are getting confused in oxidation and hydrogenation, so hydrogenation is the wrong answer, oxidation is the right answer, oxidation is the right answer, oils become rancid due to oxidation. Moving on to the next question, you have to match the list first, it is not list second, it is misprinted, list first is indigestion, milk of magnesia, antstring or methanoic acid, and list second is zinc carbonate रिलेट करता है। ठीक है, 39th का सी, 39 चला गया, 40th पे हैं हम, आप 40th का आंसर दीजिए, 40th का आंसर क्या होगा?
A. You're saying A. Lokesh Kumar is saying A. Milan is saying A. Subhadeep is saying A. Piyush Kumar is saying A. So yes, A is the right answer. Indigestion, HCl, milk of magnesia base. Ansting is methanoic. I mean, this is zinc carbonate and methanoic acid, formic acid. Okay, moving on to the next question. It is 2,4-D is used as weedicide, vitamin, fertilizer or insecticide. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2,4-D एक शॉर्ट नेम है, एक कंपाउंड के लिए यूज़ किया जाता है. ये किस रूप में प्रयोग किया जाता है? वीडीसाइड, खर पतवार नाशी, विटामिन, उर्वरक, कीटनाशी. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. 2,4-D अभी हम आपको इसका फुल नेम भी बताएंगे. 2,4-D किसके लिए यूज़ किया जाता है? ठीक है, मुझे लग रहा है कि 40th में प्रॉब्लम है बच्चों को, जो हमने लास्ट क्वेश्चन बोला था. मैच द फॉलोइंग में प्रॉब्लम है, हम उसको एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे. तब तक आप, हम आगे चलते हैं. अगले क्वेश्चन उसको एक बार इग्नोर कर दीजिए, इस क्वेश्चन पे चलते हैं. आप इसका आंसर बताइए कि 2,4-D इज यूज एज वीडिसाइड, वाइटामिन, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड. यस यस यस, आंस्टिंग वाला क्वेश्चन गलत हो सकता है, हम उसको एक बार रीचेक कर लेंगे. बट आप एक बार 41 पे चलते हैं, उसके बाद हम इसको रीचेक कर लेंगे. 41st देखते हैं कि 2,4-D इज यूज्ड एज. ओके, वी आर मूविंग फास्ट. 2,4-D इज यूज्ड एज ओके, वी गॉट इट कि ऑप्शंस गलत हैं. ओके, वी विल चेक इट. Now we are moving to 41st question. You are saying C is the right answer. Is it used as fertilizer? You mean weedicide? Preeti is saying weedicide, and yes, Preeti is right. Weedicide is the right answer. 2,4-D is used for weed control in lawns and other turf and controls of weeds and brush along fences. Okay. Next question is, the cleaning of dirty clothes by soaps and detergents is due to a type of molecule called surfactants, which are present in the soaps and detergent. The surfactant molecules remove the dirt by making the clothes slippery, producing some gases between the dirt and the cloth, dissolving the dirt or forming the some aggregates of themselves and take away the dirt in the core of the aggregates. So you have to tell its right answer. What will be its right answer? Is it A, B, C or D? Making the clothes slippery is obviously not the right answer. Yes, weedicide 2,4-D was the previous question, 41 question. What is the full form of 2,4-D? It is dichlorophenoxyacetic. But that is not much important. But the question was D hoga, T hoga. Are you saying iska D hoga? Forming some aggregates of themselves and take away the dirt in the core of aggregates. Comment करने पर आप question भी लिख सकते हैं, like 42 का C, 42 का D, so that we don't get confused कि आप पहले की बात कर रहे हैं. नहीं, because बहुत सारे हमें options, answers मिल रहे हैं जो पहले की बात कर रहे होते हैं. 42D, very good. Yes, 42 is D is the right answer. Forming some aggregates of themselves and take away the dirt in core of aggregates. अपने कुछ पुंजा बना लेते हैं और मैल को पुंजे में करोड़ में ले जाते हैं. Okay, that was Hindi. Moving on to the next question. Density of water is maximum at 2 degree Celsius, 4 degree Celsius, 1 degree or 5 degree. Good question. So density of water is maximum at, is it 2, 4, 1 or 5? Please answer like 43A, 43B, 43C. Yeah, 42D is done. We are moving to the 43rd question. And after that, we have many questions left. Please watch this. Be with us till the end. We have many questions left. Yes, we are moving fast. We know, we respect your valuable time, but for that you have to give your answer in the comment section. 42 ka D, 43 ka A, no, 43 ka A is not the right answer. 43 ka B, Bhargav is saying 43 ka B,
एग्जैक्टली 43 का बी इज द राइट आंसर. 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी वाटर इज मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेट ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. इज इट कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, क्लोरीन, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, मिथेन, इथेन और CFC, और कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथेन और वाटर वेपर. सो यू हैव टू टेल मी द आंसर. व्हाट आर, इसका मतलब है कि क्या रिस्पॉन्सिबल है, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. 43B, 43 वी आर डन विद 43. मनोज कुमार इज सेइंग 44. पवन इज नॉट सेइंग एनीथिंग. ही इज सेइंग मेरा नाम ले लो सर, आप अपना आंसर दीजिए, आपका नाम बिल्कुल लेंगे. 44C, 44D. ओके, 44C इज द राइट आंसर. कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, ऐश, सॉयल और वाटर. हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, ऐश, सॉयल और वाटर. सो प्लीज आंसर लाइक 45A, 45B, 45C, 45D. वी आर डन विद द 44th क्वेश्चन, जिसका आंसर सी था. 45th का आंसर क्या होगा? 45th यू आर सेइंग डी एंड समवन इज सेइंग वाटर. एग्जैक्टली, वाटर इज द राइट आंसर. बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस वाटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनोरोबिक रेस्पिरेशंस आर देयर? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इज इट 1, 2, 3 और 4? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनोरोबिक रेस्पिरेशंस आर देयर? यू हैव टू टेल मी द आंसर. आंसर ऑफ 46th क्वेश्चन, 46th क्वेश्चन, जो एनएरोबिक श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 1 केवल. एनएरोबिक इज द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो इज इट 1, 2, 3 और 4? 46 का 3 इज 2. C, 2. Exactly. 2 is the right answer. 46 ka 2 is the right answer. There are two types of anaerobic respiration. Number one is alcoholic fermentation and second is lactic acid fermentation. Okay? Next question. Small flap of tissues covering opening of trachea. This tissue is termed as oesophagus, larynx, epiglottis or alveoli. उर्तकों की छोटी पट्टी वायुनली के खुले हुए सिरे को ढकती है, उतक को क्या कहा जाता है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं ग्रास नली, कंठ नली, उपकंठ, वायु कोष्ठिका. सो इज इट ऑइसोफेगस, लैरिंग्स, एपिग्लोटिस और एल्वियोली? सो 47th, वी आर आस्किंग 47. दे आर 50+ क्वेश्चन, वी हैव लाइक 10 क्वेश्चंस लेफ्ट. 47th बी, लैरिंग्स. 47 सी, बी. बी इज नॉट द राइट आंसर. 47 सी, यस. स्टूडेंट्स आर गिविंग सी. सी इज एग्जैक्टली द राइट आंसर. एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज कवर्ड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन. सो इट रिमेन्स अटैच टू द एंट्रेंस ऑफ लेरिंग्स. इट रिमेन अटैच टू द एंट्रेंस ऑफ लेरिंग्स. So that's why C is the right answer. Okay, moving on to the next question. Very good question. Which gland in the human body regulates the secretion of hormones from the pituitary gland? Is it thymus, thyroid, adrenal or hypothalamus? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनिक रिसाव को नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है? Which gland in human body controls the secretion of hormones from pituitary gland? जो आपके ऑप्शंस हैं, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि. सो इसका आंसर क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अक्षय गोस्वामी सेइंग 48 का डी, हाइपोथैलेमस. गणेश इज सेइंग सी. नो गणेश, यू आर रॉन्ग. गोपाल इज सेइंग डी. एवरीवन इज सेइंग बी एंड डी. यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन बी एंड डी.
but B is not the right answer, C is not the right answer, A is not the right answer, and we are left with D. D is the right answer. Hypothalamus is a portion of the brain that contains a number of small nuclei with a variety of function. One of the most important function of hypothalamus is to link the nervous system to endocrine system via pituitary gland, which is also called hypophysis. Okay, and you know hypothalamus is located below thalamus and just above the brainstem and is the part of limbic system. Okay, moving on to the next question. Dash carries oxygen rich blood from lungs to heart and dash carrying carbon dioxide rich blood from heart to lungs. You can read it like pure blood and impure blood. So is it A, B, C or D? It's a good question and it's a confusing question. Kyunki student get to confuse ki artery carries blood from lungs to heart or vein carries blood from lungs to heart. And you know the exceptionals are pulmonary artery and pulmonary vein. They are exceptions. So you have to tell me the answer. Is it A, B, C or D? Is it pulmonary artery, pulmonary vein or pulmonary vein or pulmonary artery? Or C, artery veins or D, veins or artery? 49, you are saying artery and veins. No, you are wrong. Artery and veins, it is not the right answer. Hindi mein bole. Okay. Dash fefde se hride ki or oxygen yukt samrid rakt le jata hai. Or dash hride se fefde ki or carbon dioxide yukt rakt le ja sakta hai. Le jata hai. Matlab, number one is pure and second is impure. You are saying 49 ka B. Very good. 49 ka B, Subhashis, Paul, Pushpanjali, Pinky, Bharat, everyone is right. 49 ka B is right. Pulmonary vein is an exception because wo vein ka kaam nahi karti, wo pulmonary vein ka kaam karti hai. Pulmonary vein is an exception because it carries oxygen rich blood from lungs to heart, and artery carries oxygen from heart to various organ, but pulmonary artery carries carbon dioxide rich blood from heart to lungs. Moving on to the next question, which of the following hormones control the growth of plants? Is it A, B, C or D? Abscisic acid, ethylene, cytokinin, auxin. I guess this question is repeated from the last session, but why we have repeated? Because this is the important question and it is expected that it may ye aa sakta hai question paper mein. Abhishek ji, isko hindi mein agar bolenge to kaun sa hormone paudhon ki vriddhi ko niyantrit karta hai? Jo aapke options hai wo abscisic amla, ethylene, cytokine aur auxin, ye char option hai aapke. So the answer are abscisic acid, ethylene, cytokinin or auxin. Auxin. Vishal is saying 100% auxin. Everyone is saying auxin. Rajiv is saying auxin. Hitesh is saying auxin. Gurmeet is saying. Gautam is saying. Naveen. Everyone is right. Yes, auxin is the right answer. Auxin controls the growth of plants. Moving on to the next question. It is a reasoning mixed science question. You have to select the word related to the from the given alternatives. If kidneys are related to nephrons in some way, how is central nervous system related? Is it related to spinal cord, cerebrum, neurons or brain? Let me tell you in Hindi ki agar kidney nephram se related hai, sambandhit hai, to kendriya tantrika tantra kisse sambandhit hoga? Aapka answer hai merudand, cerebrum, neurons ya mastishk. English mein it is spinal cord, cerebrum, neurons or brain. Nephrons are the functional unit of kidney and dash is the functional unit of central nervous system. So that means you have to tell me the functional unit of central nervous system. So is it A, spinal cord, cerebrum, neurons or brain? So you are saying 51D. 51D is wrong answer. 51 neurons. Vishal is saying, Rajiv is saying, Newton, Gobinda, Pankaj. Okay, everyone is giving right answer because neurons is the right answer. Neurons is the functional unit of central nervous system, just like nephron is the unit of kidneys. So, aapko ye bhi pucha ja sakta hai, kidney ki functional unit kya hai, to you can give answer as nephron. Okay, moving on to the next question. Which of the following enzymes aids in coagulation of blood? Is it tryptase, pepsin, renin or amylase? कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? ट्रिप्टेज, पेप्सिन, रेनिन, एमिलेज. सो यू हैव टू राइट योर आंसर लाइक 52 ए, बी, सी और डी.
इट्स अ गुड क्वेश्चन. 52 A, B, C, or D. 49 B निदेश, वी आर फार अवे फ्रॉम 49, वी आर एट 52nd क्वेश्चन. प्लीज आप इसका आंसर दीजिए. शिवो इज सेइंग 51 C, दैट वाज द प्रीवियस क्वेश्चन एंड यस यू वर राइट. रुपेश इज सेइंग 51 C, दैट वाज द प्रीवियस क्वेश्चन एज वेल. सोमेंद्रा इज सेइंग पेप्सिन. ओके ग्रेट, पेप्सिन यू मे बी राइट. पंकज इज सेइंग डी, एमिलेस. ओके लेट अस सी. The first option was right, the pepsin, I mean the first student who gave the answer. Pepsin, which is second option, 52nd ka B is the right answer, B. It's a good question, please remember this. Next question, the bone tibia is found in, very good question, skull, leg, arm or mouth. Tibia haddi kahan paayi jaati hai, khopdi mein, pair mein, baah mein ya mukh mein? Tibia is a large bone located in the lower front portion of the option skull, leg, arm or mouth. And you know tibia is also known as shin bone. And ab to aapko answer aa gaya hoga because I've told shin bone agar hai to wo leg mein hoga. So leg is the right answer, shin area mein hota hai tibia. Okay, next question. In the human body, what is the most fragile bone in the human? What is the most fragile bone? मानव शरीर में सबसे नाजुक हड्डी कौन सी है? So is it A, lacrimal bone, fibula bone, patella bone or malleus bone? तो lacrim हड्डी, fibula हड्डी, patella हड्डी और malleus हड्डी. तो आपको बताना है कि जो कौन सी हड्डी सबसे नाजुक होती है, जो अपने जो मानव शरीर में कौन सी हड्डी सबसे नाजुक होती है. और ठीक है, लेग, लेग पहले वाले का आंसर था एंड यू ऑल वर राइट. लेग, यस यस, लेग इज द राइट, लेग वॉज द राइट आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन. नाउ वी आर एट द 54th क्वेश्चन. यू हैव टू राइट योर आंसर. 54th का ए, 54th का ए. समवन इज सेइंग 54 का डी. वेल 54 का डी, लैक्रिमल बोन. मैलस इज द रॉन्ग आंसर. डी इज नॉट द राइट आंसर. लैक्रिमल इज द राइट आंसर. एंड यू नो लैक्रिमल इज द मोस्ट fragile bone of the face and one of the smallest bones, one of the smallest bones, not the smallest. And ye hoti kahan pe hai? Eye socket, in the middle of each eye socket, hamare face mein. Theek hai, lacrimal is the most fragile bone. Fragile is najuk, najuk haddi hoti hai. Moving on to the next question, which one of the following is also known as wood spirit? Wood spirit kisko bola jata hai? Is it methyl alcohol, ethyl alcohol, ethylene, it is glycol, it should be not glycol, it is ethylene glycol. And D is glycerol. Jo in jo given options hain unme se wood spirit kisko kaha jata hai? Methyl alcohol, ethyl alcohol, ethylene glycol या फिर ग्लिसरॉल? अगेन इज इट मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल? यू आर सेइंग, अंजलि सेइंग मिथाइल अल्कोहल, एवरीवन इज सेइंग मिथाइल अल्कोहल. एंड यस एग्जैक्टली, यू ऑल आर राइट. मिथाइल अल्कोहल इज द राइट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड यू कैन आस्क अस योर क्वेरी, योर डाउट्स. And we'll also tell you some guidelines because what you should, guidelines to stick with if you're going to appear for RRB ALP exam. Okay, next question. We are on the next question. The last question of this live session, 56. How many bones are there in newly born infant? Is it around 206, around 230, around 250 or around 300? तो नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? लगभग 206, लगभग 230, लगभग 250 या फिर लगभग 300? We are getting 300 as answer. 56, we are also getting 206. But यहाँ पे newly born infant की बात हो रही है, newly born baby की बात हो रही है. 56 का D और A. You are getting confused in A and D. And A, who are saying A, is not the right answer. D is the right answer. Yes, exactly. D pakka hai. Exactly. D is the right answer. 50,
अराउंड 56 का डी है, 300 बोन्स होती हैं। अब कैसे होती है, एक्चुअली उन बेबी का स्केल्टन होता है वो कार्टिलेज से मेड होता है। बेबी स्केल्टन इज मोस्टली मेड अप ऑफ कार्टिलेज। एज अ पर्सन ग्रोज अप मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज टर्न्स इनटू बोन। जो कार्टिलेज होता है दैट टर्न्स इनटू बोन एंड यू नो द प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट द प्रोसेस इज कॉल्ड व्हेन कार्टिलेज टर्न्स इनटू बोन, ऑसिफिकेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। यस एग्जैक्टली ऑसिफिकेशन। As a person grows up, most of his cartilage turns into bone in a process called ossification. And newborn babies have around 300 bones. And by adulthood, the skeleton has just 206 bones, which you know it very well. So, as already told, we will now move to the next session, pointers, which are last minute tips for RRB ALP. As you know that tomorrow is your exam. RRB ALP exam is commencing from 9th of August and so we want to give you some last minute tips. So number one is revise the important places, events, dates, etc. of GK and science section. Revise the important dates, the notes you have made, aapne koi kitab banayi hogi, usme kuch important dates likhi hogi, ya fir ye jo questions humne teenon session mein karaye hain, aap unhi ko hi revise kar lijiye because bahut mehnat karke ye cheeze ki thi. तो आप उन तीनों सेशन को रिवाइज कर सकते हैं। यू कैन रिवाइज ऑल द थ्री सेशंस एंड विल कंटिन्यू अपलोडिंग न्यू सेशंस एज वेल, डूइंग न्यू सेशन एज वेल। सेकंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी इज मस्ट व्हाइल अटेम्प्टिंग पेपर। स्पीड एंड एक्यूरेसी इज द अल्टीमेट वे टू सक्सेस बिकॉज स्पीड एंड एक्यूरेसी से बहुत मदद मिलेगी। 0.33 इज द नेगेटिव मार्किंग सो एक्यूरेसी इज एक्यूरेसी मैटर करते हैं। हाँ ये बिल्कुल राहुल जी सही बात बोल रहे हैं कि जितने भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें वो सही हो। आप बिल्कुल भी ऐसा मतलब ऑप्शन मतलब गैस करके ना लगाएं, आप जिस ऑप्शन पे श्योर हो वही ऑप्शन लगाएं, क्योंकि जैसा कि आपके जो चांसेस हैं बढ़ चुके हैं, कोई भी रिस्क ना लें, जगह जो हैं बढ़ चुकी हैं, 60,000 जगह हैं। अगर आप 55 या 50 प्लस क्वेश्चंस भी करके आते हैं तो आपके कहीं ना कहीं चांसेस हैं। तो जिनका जिनका कल पेपर है आप वो भी सुन लीजिए और जिनका पेपर कुछ दिनों बाद है आप वो भी सुन लीजिए बिकॉज ये जो टिप्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। वी आर ऑल्सो सेइंग कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कहीं किसी पे आप स्टक हो जाते हैं, तो आप फिर भी उसको छोड़ के मतलब एक मिनट तक अगर आपको वो सॉल्व नहीं हो रहा आप दूसरे क्वेश्चन पे चलिए। ये नहीं कि अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया बिकॉज लास्ट में जब वो लिस्ट बनती है तब वो बहुत दुख होता है अगर मैं कहूँगा कि यार मेरा 0.5 से रह गया, यार आई मिस्ड बाय वन मार्क। सो दैट इज वेरी बहुत दुख होता है उसमें, दैट इज वेरी सैड। ओके ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट क्वेश्चन विच आर लेस टाइम टेकिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड मेक श्योर यू डोंट गेट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन एंड अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। ओके सो आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं हमें साथ साथ, जिसका कल है उसको प्लीज़ जरूर सुनने की जरूरत है। नेक्स्ट टिप्स आर डू नॉट प्रिपेयर अ फ्रेश टॉपिक इन दीज लास्ट आवर्स। आप कुछ अब नया नहीं कर लेंगे, कुछ नया टॉपिक शुरू करते हैं, जो आपने जितना किया हुआ है बस आप उसी को रिवाइज कीजिए। एंड वी एडवाइस यू टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन फर्स्ट इन विच यू आर वेरी श्योर बिकॉज देर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.33। नेगेटिव मार्किंग है, हाँ बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पर एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप ये कोशिश करें कि आप पूरा क्वेश्चन जो पेपर है वो आप एक बार गो थ्रू कर लें। मतलब ये कोशिश है जब आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि आपके लास्ट तक 75 क्वेश्चन आप सारे देख लें। क्योंकि क्या होता है, अगर आप धीरे धीरे अटेम्प्ट करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर टाइम लगाते हैं, हो सकता है कि लास्ट में कुछ सिंपल क्वेश्चंस हो जो आप रह जाएं आपके। Exactly. तो आप एनालाइज कीजिए, अगर सेक्शन अभी पेपर मतलब आया नहीं है बच्चों का, मतलब अभी पेपर कल से स्टार्ट होगा, तो अगर यदि सेक्शंस बेस्ड पेपर आता है, सेक्शन बेस्ड पेपर आता है, तो मेरी एडवाइस यही रहेगी बच्चों से कि आप जो सबसे पहले जीके और साइंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, 75 क्वेश्चंस है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बट बहुत सारा 47 लाख बच्चों ने भरा है तो कंपटीशन कहीं ना कहीं हाई होगा। तो आप कम से कम 60 प्लस, एंड प्लीज डोंट गेट स्केयर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके लिए हार्ड होगा तो सबके लिए हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि तो अकॉर्डिंगली ही कट ऑफ निकलेगी, अकॉर्डिंगली ही लिस्ट बनेगी। सो प्लीज
sleep well and eat healthy and go with the exam, go for the exam with a fresh mind. ऐसा नहीं कि ये नहीं किया मैंने वो नहीं किया, जितना आपने पढ़ना था आपने पढ़ लिया एंड इसमें अब आपको कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है. जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड. आई विल से राहुल जी सही कह रहे हैं कि जैसे कि 47 लाख बच्चे बैठे हैं और ये क्वालिफाइंग पेपर है तो जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट रहना चाहिए और इस हिसाब से जो अटैम्प्ट हैं सेफ अटैम्प्ट की बात करें मिनिमम 60 होना चाहिए. आप 60 अटैम्प्ट करते हैं तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं आप सेफर साइड पे हैं. और इस टाइम जो आपका की टाइम चल रहा है आपकी कल एग्ज़ाम है या फिर परसों एग्ज़ाम है तो घबराएं मत और अच्छे से जाएं पेपर देने. ठीक है. एंड डोंट पैनिक इफ द क्वेश्चंस आर लेंथी. अप्लाई योर स्ट्रेटजी एंड बिलीव्स इन योरसेल्फ बिकॉज दैट यू विल क्वालिफाई द एग्जाम एंड सिलेक्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड. एंड यस यू डेफिनेटली विल. अगर आप में होप है कॉन्फिडेंस है आपने पढ़ाई की है तो बिल्कुल क्यों नहीं होगा. आरआरबी एएलपी तो है. ओके गाइडलाइंस टू फॉलो. लेट अस टेल यू द गाइडलाइंस टू फॉलो. कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी. यू हैव टू स्टिक विद द गाइडलाइंस. आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय एडमिट कार्ड जब ले आए हैं उसके बाद क्या क्या चीज़ें करनी होंगी. यू शुड फॉर्मली स्टिक टू दिस गाइडलाइंस रिटन इन द फर्स्ट लाइन. होगा क्या कि कैंडिडेट को एक खाली कॉलम दिया होगा जिसमें लेफ्ट थंब इंप्रेशन दिया होगा और वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने को बोला होगा. जिसके एडमिट कार्ड आ गए हैं उनको पता होगा कि देर इज़ अ ब्लैंक सेक्शन ऑफ लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड देर इज अ ब्लैंक सेक्शन ऑफ डिक्लेरेशन. सो यू डोंट हैव टू राइट डिक्लेरेशन फ्रॉम होम. आपको घर से ये भर के नहीं लेके जाना है. वहीं पे जाके भरना है. इन्विजिलेटर के सामने आपको भरना है, उसके सामने लेफ्ट थंब इंप्रेशन लेके जाना है. सो प्लीज भर के पहले ना लीजिएगा, वो बिल्कुल एडमिट कार्ड फाड़ देंगे आपका. ऐसा कुछ नहीं होगा. आप लेफ्ट थंब इंप्रेशन उसी टाइम इन्विजिलेटर के सामने कीजिए एंड हो सके तो दो निकाल लेना फॉर द सेफर साइड. ओके तो एक और इसमें सेकंड पॉइंट आपको सामने दिया हुआ है जिसका फर्स्ट शिफ्ट है 9:15, मतलब 9:15 AM इज द गेट क्लोजिंग टाइम. बहुत सारे बच्चे कितने किलोमीटर्स ट्रैवल करके जा रहे हैं, ट्रेन्स में जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, बसेस में जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पहले लेके चलिए. आप 9:15 AM को 9:15 AM ना लेके चलिए. आप मैं तो कहूँगा कि 8 बजे 8:30 तक का लेके चलिए. आप आधा घंटा पहले पहुँच जाएंगे डेट इज़ गुड. बट 9:15 9:16 मैं ये नहीं चाहता कि इतना ट्रैवल करने के बाद भी आपको आप बोलोगे कि सर मैं पहुँच नहीं पाया, गेट क्लोज हो गए हैं. 9:15 इनका स्ट्रिक्ट टाइम गिवन है. तो प्लीज आप इसको लेके चलिए कि शिफ्ट वन है तो 9:15, शिफ्ट टू है तो 12:15, शिफ्ट थ्री है तो 3:15. राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं. कई बार क्या होता है बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और लास्ट टाइम पे एग्जाम दे नहीं पाते. तो जो रेलवेज की रेगुलेशंस हैं उनको बिल्कुल फॉलो कीजिए, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए. जो आपके शिफ्ट के गेट क्लोजिंग टाइम है 9:15 शिफ्ट फर्स्ट के लिए, 12:15 शिफ्ट सेकंड के लिए, 3:15 शिफ्ट थर्ड के लिए, उनसे पहले पहुंच जाएं. हाँ, उनसे पहले पहुंच जाएं. बिकॉज जो रिपोर्टिंग टाइम लिखे आप उन पे पहुंच जाइए. गेट क्लोजिंग टाइम बात क्या है, रिपोर्टिंग टाइम पे जो भी आप रिपोर्टिंग टाइम को टारगेट कीजिए. exactly. ऐसा नहीं गेट क्लोजिंग टाइम को टारगेट करें तो बिकॉज इतना पढ़ने के बाद इतना ट्रेवल करने के बाद आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो डेट इज वेरी स्केरी. ओके नेक्स्ट इज नो कैंडिडेट विल बी अलाउड इनसाइड द टेस्ट आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम. ये बताया जैसे आपको बता दिया है. एंड द ई कॉल लेटर इज टू बी सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ द टेस्ट. आपको सबमिट करके जाना है और एक अपनी ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड जो कि फोटोकॉपी नहीं ओरिजिनल दिखाने के लिए, बीट वोटर आईडी, आधार कार्ड का प्रिंट आउट बट इन कलर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर कोई स्कूल डिग्री की फोटो जिसमें आईडी कार्ड हो, तो ये बिल्कुल आप लेके जाइए एक ओरिजिनल में. हाँ बिल्कुल, जो स्पेसिफाइड है वही लेके जाइए. वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइव डीएल आपका ले जाइए, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट भी ले जा सकते हैं. इनमें से कोई भी जो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके पास हो ओरिजिनल ले जाएं आप, क्योंकि जो आपका वेरिफिकेशन होगा वो इसी के बेसिस पे होगा. नीतीश इज सेइंग सर 0.33 का क्या मतलब है. 0.33 का मतलब है कि अगर ये नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो 0.33 मार्क्स आपके सही मार्क्स में से काटा जाएगा. तो बिल्कुल आप नेगेटिव अवॉइड कीजिए. जो आपको फोटो ले जानी है जो गिवन स्पेसिफिकेशन है उसी स्पेसिफिकेशन की होनी चाहिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यूज़ की है वही फ़ोटो होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें. और जो फ़ोटो है वो आपके फॉर्म में
आपको हाँ जैसे आपके फॉर्म में आपने अपलोड किए वो सेम फोटो लेके जाना प्लीज, अगर नहीं है तो अभी भी टाइम है आप निकलवा लीजिए, सेम फोटो लेके जाना। और बच्चों के वो आते हैं कमेंट्स आते हैं क्वेरीज आती है कि डेट उस पर प्रिंटेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, देखो इसमें कहीं नहीं लिखा कि डेट प्रिंटेड होनी चाहिए जो आपको लेके जाना है और वो चलेगी, बट फॉर द सेफर साइड आपके पास आप वो उस पर डेट प्रिंट करवा लीजिए, फॉर द सेफर साइड आप उसको लेके चलिए, आप उसको भी लेके चलिए और नॉर्मल लेके चलिए, तो आप दोनों लेके चलिए तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, वैसे उसमें नॉर्मल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आई एम सेइंग फॉर द सेफर साइड आप उसको भी एक बार रख लीजिए। शुभम इज सेइंग कि फोटो शुड हैव डेट, मैंने अभी बताया कि फोटो में डेट होना आवश्यक नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फोटो पे डेट वगैरह हो, बट फॉर द सेफर साइड यू हैव टू आई मीन इम्प्रिंट डेट एंड फोटो पे, अगर आप जो नेम है जो आपने यूज़ की थी एप्लीकेशन फॉर्म में उस पर नाम लिखा था, लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपकी जो फोटो है उस पे नाम लिखा होना चाहिए। सेफर साइड आप प्लीज लेके जाइए एंड दैट टू द सेम फोटो। ओके ओके, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर नॉट अलाउड, यू वेरी वेल नो इट, एंड इवन वॉचेस आर नॉट अलाउड। या वॉचेस आर नॉट अलाउड, सो वॉच पहन के जाने की कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन एग्जाम, वो आपका जो दिखती रहेगी, काउंटर चलता है वो आपको साफ साफ दिखाता है कि कितना टाइम बचा है और कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है आपको उस टाइम में। ठीक है, सो यू आर सेइंग व्हाट अबाउट करंट, प्लीज यू आर सेइंग करंट अफेयर्स, 10 मार्क्स की जीके करंट अफेयर्स आएगी जिसमें से 5-6 करंट अफेयर्स आ सकते हैं। ओके, अगला है कि पेन विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स, पेन पेंसिल भी नहीं लेके जाना, पेन विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स, ऐसा कुछ नहीं है, और कैंडिडेट कैन व्यू द क्वेश्चन पेपर इन एनी 15 लैंग्वेज, अगर आपके एडमिट में कोई भी लैंग्वेज लिखी है, ऑप्टेड लैंग्वेज हिंदी तेलुगु मलयालम कोई भी लैंग्वेज लिखी है आप वहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं, इफ इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑप्टेड देन द क्वेश्चन पेपर कैन बी व्यूड इन इंग्लिश एज वेल एज। तो मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ कि आपका जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है एक इंग्लिश तो रहेगा ही, और दूसरा ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हिंदी सेलेक्ट किया तो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश में होंगे, अगर आपने तेलुगु सेलेक्ट किया तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे तेलुगु और इंग्लिश में होंगे। एग्जैक्टली, ओके, दे विल बी द नेगेटिव मार्किंग, यू नो इट वेरी वेल, एंड कैंडिडेट हैव टू राइट हिज और हर रोल नंबर एंड रफ शीट ऑन द रफ शीट, वो सब आपको बता देंगे, जैसे मैंने पहले बोला कि लेफ्ट ऑफ इंप्रेशन एंड सेल्फ डिक्लेरेशन शुड बी फिल्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ऑन द एग्जाम डे, इट इज घर से नहीं लेके जाना, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट इफ यू आर वेयरिंग शूज यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जाम, देन दे विल आस्क यू टू रिमूव योर शूज एंड गो इनसाइड द हॉल बेयरफुट, ये कहीं लिखा नहीं है बट इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर आप शूज पहन के जाएंगे तो वो कहेंगे प्लीज शूज को रिमूव कर दीजिए आपको बेयरफुट जाना होगा, तो अपार्ट फ्रॉम दैट आप स्लीपर या चप्पल पहन के जाइए, डेट विल बी गुड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। और शांति सिंह, आई अपलोडेड विद डेट एंड नेम, इट्स ओके, आप कुछ भी कर सकते हैं इन दोनों में से, सो व्हाट आई हैव टू स्टिक ऑन माय ई कॉल, आप दोनों चीज़ें लेके जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों चीज़ें लेके जाइए, आप वैसे तो नॉर्मल फोटो है बट दोनों लेके जाइए फॉर द सेफर साइड। ओके, सो दीज वर द टिप्स एंड ऑल, कि लास्ट मिनट टिप्स क्या थी, लास्ट मिनट स्ट्रेटजीज क्या थी, और व्हाट आर द गाइडलाइन यू शुड हैव टू स्टिक विद, सो अगर आपको और भी क्वेश्चन है तो आप ग्रेडअप ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड यू कैन सी लाइव सेशन आफ्टर, आई मीन ऑल द लाइव सेशन ऑल्सो, बिकॉज वी हैव पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एंड विल कंटिन्यू डूइंग सो, विल कंटिन्यू डूइंग लाइव सेशन एज वेल। आप कोई भी लाइव सेशन देख सकते हैं हमारा 1, 2, 3 में से, और यही कहना चाहेंगे कि आपके जो एग्जाम हो बहुत अच्छा हो और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। हाँ एग्जैक्टली, एंड हम कल ही मिलेंगे आरआरबी एग्जाम एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट में। ओके, ऑल द बेस्ट एंड डोंट पैनिक, बी कॉन्फिडेंट, थैंक यू।